सुनो, किसी से कोई उम्मीद कोई इच्छा मत रखना। जब तुम शिरडी आते हो ना, तो वहाँ एक ही सच्चाई है, वो सच्चाई मेरी समाधि मंदिर, वहाँ विराजित मैं और मेरी समाधि है, बस। उसके बाद बाहर कुछ ऐसे लोग आते हैं जो तुमसे बातें अच्छी तो करते हैं, पर बदले में चाहते हैं तुम दान धर्म करो। तो वहीं कुछ ऐसे लोग आते हैं जिन्हें ज़रा भी इंसानियत की कदर नहीं, बस सिर्फ उनका काम अच्छे से चलना चाहिए, उनका व्यापार अच्छे से हो, इसलिए वो किसी भी हद तक गुजर जाते हैं। ऐसे ही लोगों से तुम्हारी मुलाकात हुई थी ना वहाँ, इसलिए एक बात हमेशा के लिए जान लो, वहाँ अगर कुछ भी तुम्हारे लिए है ना, तो तुम्हारा साईं है। बस जब मेरी दरबार में खड़े होते हो ना शिरडी आकर, या कभी अपने मंदिर जाते हो, तो बस मुझ पर ध्यान लगाओ, क्योंकि वही सबसे बड़ा सच है। फूल, माला, नारियल, किताब, कुछ भी उसके बाद आता है, सर्वप्रथम मैं और तुम है। और सुनो, तुमने जिसके हिस्से का प्रसाद लाया था उन सबको दे देना, कोई इस इंतज़ार में बैठा हुआ है कि कब तुम्हारे हाथों से उन्हें मेरी ही प्रसाद की प्राप्ति हो। रात में सोने से पहले अपने मस्तक पर उदी का तिलक ज़रूर करना। खुश रहो।